तीन समुद्र हैं, भूम सर्ग है, लोक दर्शन धातु है, जय प्रत्यय बनेगा इनों के बजाय, जय प्रत्यय लगकर क्या होगा, यदि हला हला अनया अभ्युपत्या हला तो हला संबोधन के लिए आने वाला शब्द है। जब आप किसी को अपनी ओर मुख करना चाहें कि रुकी हमारी ओर देखे तो उसको हम हला कहते हैं। आजकल हम उसके लिए हेलो कहते हैं, हेलो ऐसा बोलते हैं। तो हला अनया अभ्युपत्या, इस अभ्युपत्ति से, इस घटना से, एक बड़ी घटना है कि वनस्पतियों ने क्षम वस्त्र दिया, वनस्पतियों ने राक्षस दिया, वन देवताओं ने आभूषण दिए, तो ये अभ्युपत्ति है, अर्थात ये कृपा है, ये दया है, ये अनुग्रह है। और जब वन देवता और वन के वृक्षों ने इतनी बड़ी कृपा दर्शाने लग जाए तो इससे सूचिता, इससे ये सूचित होता है कि ते माने तुम्हारे भरपुर गृह पति के घर में तुमको अनुभवितव्य, अनुभव करना है राजलक्ष्मी। समझ में आ गया? ने कहा कि भाई तुम्हारी विदाई में वृक्षों ने वस्त्र दिए, वन देवी देवताओं ने आभूषण दिए, तो ये उनके द्वारा तुम्हारे ऊपर अभिभक्ति की गई, तुमको आशीर्वाद दिया गया, तुम्हारे ऊपर कृपा है। ये कृपा के ये केवल क्षम वस्त्र देना भर नहीं है, ये वृक्षों के द्वारा तुम्हारे लिए भेजा गया आशीर्वाद है। और ये आशीर्वाद से ये सूचित हो रहा है कि तुमको पति के घर में राजलक्ष्मी का भोग भोगना है, ऐसा प्रेमदा ने कहा। अब तुम आप किसी लड़की से कहेंगे तुम पति के घर में बहुत रानी बन के रहोगी, राजलक्ष्मी का भोग करोगी, तो जिस लड़की से आप कहेंगे थोड़ा सा शकुंतला श्रीराम रूप रहती, शकुंतला थोड़ी सी शर्मा गया, क्या करती है? हाँ, प्रथम ने कहा, अब प्रथम जो नारद था वो अपने दूसरे साथी से कहा कि गौतम हो गई, कौन सी मध्यमपुर क्षेत्र का रूप है, आओ आओ ये माने अभिषेक अभिषेक जो कर चुके उत्तीर्ण होता है, पास होना ना, कोई काम जब पास हो जाए, करना है, पूर्ण हो जाए, वही उत्तीर्णता। तो अभिषेक उत्तीर्ण है, जो स्नान कर चुके हैं और स्नान करने के बाद काश्यप आए, ऐसे काश्यप को, ऐसे कर्मों को वनस्पति सेवा निवेदयावा कौन कौन, नारद और गौतम, इसलिए आवाम निवेदयावा ऐसा, तो आओ हम दोनों गुरु जी से वनस्पतियों ने जो सेवा कार्य किया, सेवा कार्य ही है भाई, आप वस्त्र दिया है, किसी ने लाक्षारस दिया है, किसी ने आभूषण दिए हैं, तो आओ हम वनस्पतियों के द्वारा दी गई सामग्री जो उपायन है, जो उनके द्वारा आश्रम की सेवा की गई है, चलो हम लोग गुरु जी से बताएं। ये बड़ी बात है, बच्चा बच्चे कुछ बच्चों की दृष्टि में कुछ नया हो जाए तो हमेशा बड़ों से बताते हैं, मम्मी मम्मी मामा हमको ले गए दुर्गा दयाला, बच्चों के साथ कुछ भी ऐसी घटना हो जाती है तो वो बताते जरूर, खासकर बड़ों को। किसी ने नारद और गौतम ये कहते हैं आओ आओ चले हम लोग इस वनस्पति की सेवा को गुरु जी से निवेदन करें, काश्यपाय निवेदयावः, इतने स्नान तो दूरी जाने का तथा ठीक है, इतने स्नान तो इसमें दोनों निकल जाते हैं वहां से, मंच से निष्कान तो होना कहां से, ये मंच ही स्थिति है, मंच से निकलते हैं दोनों सखियों ने कहा आये अनुपयुक्त भूषण जना आये, बोले उपयुक्त माने उपयोग करना, अनुपयुक्त माने जो कभी उपयोगी नहीं है, किसका बोले भूषण का, आभूषणों का हम लोगों ने कभी उपयोग नहीं किया, कभी मिले नहीं, तो हम लोग इसको जानते हैं कि फिर चित्र कर्म परिचय है ना, तो चित्रकारी में देखे हैं कि क्या नाक में पहना जाता है, क्या कान में पहना जाता है, क्या पैर में पहना जाता है, तो चित्रकारी में जिन आभूषणों को हम लोगों ने जहाँ जहाँ पहने हुए देखा है, ऐसे ही ते आभरण विनियोगम पूर्वा आओ हम तुम्हारे आभरण माने आभूषणों से विनियोग करें, करो भी पूर्वा करो भी पूर्वा, हम दोनों लोग तुम्हें चित्र देख देख करके सजाएं, बहुत सारा आभूषण, कौन नाक में पहनने का है, कौन पैर में, कौन हाथ का है, कौन गले का, तो ये बोले चित्रकारी में हम लोगों ने देखा है,
तो वही वही आभूषणों को उठा करके वही वही हम तुम्हें सजाएं, वैसे हमारा पहनने का कोई अनुभव नहीं और किसी का नहीं है। आभूषण आश्रम में अभी तक नहीं थे, ये तो अभी अभी मिले हैं। और जब अभी अभी आभूषण मिले हैं तो उन लोगों ने कहा कि अनुपयुक्त भूषण अयम जना अनुपयुक्त भूषण, इसने कभी आभूषणों का उपयोग किया ही नहीं। तो जब हम लोगों ने कोई आभूषणों का उपयोग किया ही नहीं, पहना ही नहीं, तो ऐसे आप बहुत बार देखे होंगे, मतलब कि मान लीजिए आप अपनी पत्नी के लिए कुछ खरीद के लिए जाने वाला, तो कैसे खुलेगा आप शायद नहीं जानते होंगे, आपकी श्रीमती है अरे ऐसे ना खुली एक ऐसे दबावा फिर खरीद दुकाने बुझे ऐसे दबा के सरकार में पड़ गया। बात समझ आया, उसमें इतना एच पैच धक्का पक्का कुछ ऐसा लगा होता है कि तो जगह जहाँ से नहीं खोलना वहाँ से खोले जाते हो, लेकिन उनको पता है आप पहना 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 वो अपने से खोल रहा तो कहीं देखी धक्का लगा देती, अरे उतारना होता तो उतार के रखी देती। बोलो हाँ अब आप थोड़ा अनुभव करिएगा, मान लीजिए आप लोग थोड़ा सा अपने कान में मुझे वही बात है, वो सब अपने से कर लेते हैं, उनका जानते हैं वो अनुपयुक्त भूषण नहीं है, वो उपयुक्त भूषण है। वो इतनी बार पहन चुके हैं, इतनी बार उतार चुके हैं कि अपने नकुरों में बिना शीशा डरा ले ही उतार लें, कारे में बिना शीशा वही दिन अच्छे जगह बना के नाम में करके रख लेंगे। इसीलिए देखिए जब बारात बारात में जाती हैं बड़ी बड़ी पार्टी में तो दूसरे घर का वाला और रोज पहने का दूसरे घर के वाला, जब कहीं जाएंगे पार्टी वोटी में तो दूसरे घर के पास तुरंत उतार कर रख लेंगे छपक छलो वाला पहन, वहां से आएंगे तुरंत रख लेंगे और उसके बाद अपन दूसरा वाला पहन, ठीक है। हाँ ये मैं अनुपयुक्त तो भूषण वाला बताया, उपयुक्त भूषण और अनुपयुक्त तो भूषण, जो गहना पहन चुका है और जो गहना कभी पहना नहीं। जाने जाने शकुंतला ने कहा कि जाने या धातु है, आत्मा पति का रूप है, लक्ष्य कार का रूप है, पुरुष एक जाने जाने माने मैं जानती हूँ और वाम माने तुम दोनों का वैकल्पिक रूप है, इसमें शब्द का तुम दोनों का तुम दोनों की जो निपुण है निपुणता है वो जाने, तुम पहने भले ना हो लेकिन पहना है नहीं वो। बोलो हाँ ये जाने वाम निपुण का मतलब क्या है, तुम्हारी निपुणता जानते हैं, निपुणता किस बात की, ये जरूरी नहीं है कि कोई हार पहना हो तब भी हार के बारे में जाने, पहने हो चाहे ना पहने हो लेकिन देखे होंगे अपने भौजी के जैसे भौजी के बटे बटे वाला हार है, यहाँ से लेके जूलिया लगी बड़ी बड़ी ऐसे हम लोग कैसे गया है पूरे गांव को वो देखा, पूरे गांव किसके पास कितना है होकर वो कितना बड़ा है यहाँ जो लटकता रहता है, कितनी बड़ी बड़ी गुड़िया हुई, कितने लाख की हो गई, कौन से दिन खरीदी थी, कौन से साल में खरीदी, सबको पता होता है। और उसके बाद जल्दी तीन तीन जंजीर हैं, तीन दुकानें हैं, दूध होकर नेपुरा होकर हम ले आए हैं, चार चार फुट पायल रखे हैं, तुम्हार देवरान होकर देवरान आपका काम है, गिनती करेंगे शायद उनका भी ज्यादा होगा, अपना नहीं गिना के बताएंगे दूसरे के साथ। तो वो बहुत बार गाँव की ऐसी भोजियों को हमने देखा है कि अपना भले ना पता हो कि हमारे संदर्भ में कितनी साड़ी है पर जेठानी के संदर्भ में कितनी साड़ी है वो गिने हैं। बोलती है वो बहुत ही बोलेगी भराव से तो हम बोलते नहीं, और तुम्हारे हंस के देवर हो तो भयारू और भौजाई दोनों उसार लगे रहा हो, तुम्हें हम उड़ावन के लिए भौजी तो नहीं है ना, तुम्हारी हम तो भौजी से बोलते हैं, हमारा एक्सपीरियंस भौजी बस से है। चलिए ये बात आपको समझ में आई, यहाँ के बाद नेपुरों को मैं तुम दोनों की निर्भरता को जानता हूँ। उभे नाचेन अलंकुरुतः उभे नाचेन और प्रवेश करते हैं स्नान स्नान करने के बाद आप पीछे जाइए तो वहाँ पर काश्यप ने अपने शिष्य को भेजा था कि देखो प्रभात हुआ
सवेरा हुआ कि नहीं। तो उसने कहा था कि गुरुवे निवेदयामि सवेरा हो गया, होम रेलान गुरुवे निवेदयामि, याद आया। मैं जाके निवेदन करूं गुरु जी से कि हवन की अवेला आ गया, संध्या वंदन का समय आ गया, तो गुरु जी कहां जाएंगे? परेशान करेंगे। और स्नान करने के बाद क्योंकि वो शिष्य गया है, निवेदन किया है कि महाराज सुबह हो गई तो गए होंगे अपने नित्य क्रिया के बाद, स्नान आदि करके आश्रम में प्रवेश किए। और स्नान आदि करके जब आश्रम में प्रवेश किए तो उन्होंने लिखा, कालिदास ने लिखा कि स्नान करके मानो काश्यप आए हैं। और स्नान करने के बाद सबसे पहला काम आदमी करता है पूजा पाठ, क्या करता है हवन इत्यादि। और खास कर जो ऋषि मुनि होगा उसके लिए तो सुबह सुबह स्नान करने के बाद ये सबसे बड़ा काम होता है। तो ऋषि ने स्नान आदि करके काश्यप मनो पूजा आदि से निवृत्त हुए हैं। अब इस कार्य के बाद एक बड़ा काम है उनके लिए, बेटी की विदाई करना। अब वो बेटी की विदाई के लिए तैयार हो चुके हैं। तब कालिदास ने इनकी एंट्री कराई और ये चतुर्थ अंक में पहली बार काश्यप का प्रवेश हो रहा है। इसके पहले आप प्रथम अंक द्वितीय अंक तृतीय अंक में प्रथम अंक में चर्चा आपने सुनी होगी कि सौंपते हुए गए हैं, लेकिन उनकी कोई डाला की लगी आपने नहीं सुनी और चौथे अंक के बाद भी नहीं सुनेंगे। यानी इसी जगह पर वो यही आए हैं और काव्य सुनाटकों एवं तत्रम या शकुंतला में शाकुंतल के चतुर्थ अंक में अभी कर्म का प्रवेश हुआ है और चतुर्थ अंक के बाद खत्म हो जाएगा, फिर प्रवेश नहीं हुआ। चार श्लोक जो सबसे प्रसिद्ध है चारों गणों के, और यहीं से एंट्री करके और आगे जब तक आप पढ़ेंगे चतुर्थ अंक की समाप्ति तक, इतनी छोटी सी उपस्थिति में, इतनी छोटी सी उपस्थिति में कर्म ने मानो इस पूरे नाटक में चार चांद लगा दिए। और कालिदास ने स्नान आदि करके पूजा पाठ करवा के अब प्रवेश कराया। तथा प्रवेश स्नान तीर्ण काश्यप, तथा प्रवेश स्नान तीर्ण उन्होंने मनोभावों को व्यक्त किया। मनोमन के भाव है, मन के भाव क्या है? मन के भाव ये है कि आज मेरी बेटी विदा हुई। तो एक बेटी के विदा होते समय जो पितृ भाव होता है, जो पिता के मन में भाव भरे होते हैं, कुछ उसी प्रकार के भाव कालिदास ने काश्यप के हृदय को टटोला। और ये श्लोक लिखा इसमें क्या, भाव नहीं आए ना कि आज शकुंतला जाएगी, तो आगे के श्लोक के सारे भाव समाप्त हो जाएंगे।
इसलिए कालिदास ने पहली लाइन यही लिखी, पहले शकुंतला आज चाहेगी, जब तक ऐसा मनोभाव नहीं बनेगा तब तक कंठ स्तंभित होगा ही नहीं, तब तक हृदय स्तंभित होगा ही नहीं। तो हृदय आगे लिखते हैं कि हृदय संस्पृष्टम, लेकिन क्यों बोले इसीलिए हृदय कारण क्या है बोले अत्यधिक उत्कंठा हो जाए तो हृदय संस्पृष्ट होने लगेगा। आप जानते हृदय की गति यदि संस्पृष्ट हो जाए तो हृदय गति नहीं करेगा। हृदय गतिमान रहे, दिल की धड़कन बनी रहे, संस्पृष्ट माने चिपकना, और यदि हृदय चिपक जाए, शांत हृदय चिपकेगा तो दुशांत हो जाएगा, तो हार्ट बीट रुक जाएगी, और हार्ट बीट रुक जाए तो व्यक्ति को कहते हैं हार्ट अटैक होकर मर जाएगा। तो ये हार्ट अटैक जैसी, इन्होंने कहा कि हृदय लग रहा है जैसे अपना धड़कना बंद कर रहा हो। हृदय संस्पृष्टम, संस्पृष्टम का तो अर्थ इतना ही होता है, स्पृष्ट माने छूना चिपकना, संस्पृष्टम माने हृदय। अच्छा हृदय करता है, हृदय गति करता है, आप देखेंगे हृदय नीचे जाता है, पंपिंग होती है, पंप करता है, फूलता है पचकता है, फूलता है पचकता है। यदि पचक भर जाए तो भी गड़बड़ है, अब केवल फूल भर जाए तो भी गड़बड़ है, पूरे पचके एक अच्छा है, और उसकी एक नियत गति है, उससे ज्यादा होगा कहेंगे कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया, और उससे कम हो गया तो कहेंगे ब्लड प्रेशर लो हो गया। ब्लड प्रेशर का लो होना और बढ़ना दोनों को करना है, और ये भी मृत्यु का एक बड़ा विजन है, और ये बोले कम होता है, आप देखें या तो बहुत खुशी हो जाए या बहुत कम हो जाए। बहुत गमगीन आदमी का भी हार्ट अटैक हो सकता है, बहुत खुशियानी में भी हार्ट अटैक हो सकता है। कालिदास ने कहा हृदय संस्पृष्टम, क्यों बोले उत्कंठा किसलिए, बोले शकुंतला इसलिए उत्कंठा, और इसीलिए हृदय संस्पृष्टम, यदि शकुंतला न जाती तो उत्कंठा न होती, और उत्कंठा न होती तो हृदय संस्पृष्ट न होता। बोले हाँ, इसलिए पूरी लाइन लिखी, और पूरी लाइन में रीजन लिखा, तो बोले शकुंतला इसलिए हृदय संस्पृष्ट, और शकुंतला आज चली जाएगी, इसका दुख है, ये उत्कंठा है, ये जबरदस्त दुख है, और एक पिता के लिए उसकी बेटी जा रही, इससे बड़ा दुख और क्या होगा। वो ये चाहता भी है कि बेटी की विदाई भी हो, लेकिन बेटी की विदाई के समय उसके हृदय उत्कंठा से भर जाता है, दुख से भर जाता है, और वो दुख के भरने से सबसे पहला असर किसी पितृ हृदय में आता है, तो आंसुओं में असर बाद में आता है, पहले असर हृदय में आता है। बोलो हाँ, और हृदय में असर आने के पहले चिंतन में असर आता है, और चिंतन क्या है, ऐसा विचार करते हैं, ऐसा सोचते हैं, तो फिर इस सोच का असर कहाँ आया, बोले हृदय। अच्छा हृदय जब संस्पृष्ट होने लग जाए, हृदय की गति में परिवर्तन होने लग जाए, तो जब आप हृदय से दुखी होते हैं, अब ध्यान रखिएगा, सुनना, कालिदास के इन चारों प्रसिद्ध श्लोकों में से क्यों इतना श्लोक प्रसिद्ध हो गया, मानवीय जीवन का इतना जोरदार शानदार और जबरदस्त चित्रण कर दिया कालिदास ने, कि प्रत्येक बाप जब भी खड़ा होता है बेटी की विदाई करते समय, तो ठीक इसी प्रकार का होता है जैसे कालिदास ने लिख दिया। अगला असर कहाँ होगा, यदि आपके हृदय में दुख भर गया तो उसका असर आपके कंठ में दिखाई पड़ेगा, क्यों स्तंभित हो गया, बाप रोना तो चाहता है, पर जितना खुल के अम्मा रो लेती है उतना खुल के बाप नहीं रो पाता है, तो बाप सारे आंसुओं को दबाता है, दुख को दबाता है हृदय में, इसीलिए सबसे ज्यादा असर कहाँ पड़ता है, उसके हृदय में, और हृदय में दबा हुआ दुख चूंकि आंखों से बह रहा है तब कंठ खुल जाएगा, और कंठ मारे दबाए रहता है बेटी की विदाई में भी, विदाई होती रहती, विदाई का क्षण है, आप जाकर के इस बार किसी बाप को देखिएगा, जो भी बाप अपनी बेटी को विदा कर रहा होगा, जब बेटी विदा हो रही होगी तो एक किनारे अकेले कहीं अंगोछा टांगे हुए खड़ा होगा, और यदि और सामने आ जाए उससे आप कुछ बोलते, बोला नहीं तो बोला,
सब तक चुप है तभी तक चुप रहेगा और बोल नहीं पाए। उसका कंठ भरा है, आंसू यहाँ तक आ गया है, वो कलुषित हो गया। कंठा कलुषः किस लिए? बोले वाष्प वृत्ति से। आंसुओं को रोके हुआ आपने देखा कि यदि ऐसे मान लो कोई आदमी बहुत दुखी हो, बहुत दुखी हो, उससे आप जब तक नहीं बोलवा रहे आप बोलेंगे मान लो आपके पूछे ज्यादा बोले और यदि बोले तो अब रोए, यदि बोले और जब रोएंगे ना तो कंठ कंठ क्या बोले कंठ स्तंभित हो गया, मानो गले से कोई आवाज ही नहीं आ रही, वो कुछ बोलने ही नहीं चाहते, कंठ स्तंभित हो गया और मानो सारा आंसू देनी करंट है। क्या लिखा? कंठ स्तंभित और वाष्पवृत्ति कलुषः और जिधर देखते रह गए उधर देखते रह जाते, चिंता जडम दर्शन, उनकी दृष्टि चिंतापुर दृष्टि हो जाती है, चिंतापुर हो जाते हैं, बहुत चिंता होती है, हर बाप को हर माँ को चिंता होती है। पितृ जगह है, कर्ण की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं, ध्यान रखना कर्ण वीतराग सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी हैं, जिन्होंने शादी किया ही नहीं है, जिन्होंने बच्चे पैदा ही नहीं किए हैं, जिनकी पत्नी नहीं है, ये तो इनकी दूसरे की बेटी है जिसका लालन पालन कर रहे थे, ये विश्वामित्र और मेनका की कन्या है, इनके पास केवल बचपन में आई थी, सेया पाला है, बड़ा किया है, इनकी खुद की बेटी नहीं है, लेकिन पितृवत पालन पोषण करने से हमेशा वो बाबू 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 करती रही होगी, इसीलिए जब वो विदा हो रही है तो बाप जैसी अनुभूति कर रहे हैं। और कहा कंठ स्तंभित किससे? बोले वाष्पवृत्ति से, इसीलिए कलुषः इसीलिए कलुषित हो गया कंठ से। अच्छा, अब दुख में आने के बाद जब कोई आदमी बोलता है तो गला भरा भरा होता है, कुछ अजीब टाइप की आवाज आती है, कुछ अजीब टाइप की ध्वनि आती है, रोमियाओं से रोमियाओं से आवाज आती है, और दर्शन मैंने दृष्टि कैसे देख, बोलो चिंता जनम दर्शनम, चिंता जनम दर्शनम, हर बहुत प्रकार की चिंता होती है, फिर भी क्या जाएगी, सास पता नहीं कैसे हो, ससुर का स्वभाव कैसा हो, लड़के का स्वभाव कैसा है, देवर तो नहीं परेशान करेंगे, ननिय तो नहीं परेशान करेंगे, जेठानी बुलाने के साथ व्यवहार कैसा हो, कहा बहुत प्रकार की चिंता होती है, कमाते हैं कि नहीं कमाते हैं, पैसा देंगे कि नहीं, विद्या से कहीं बहुत ज्यादा काम न करवाएं, तो हमारे घर में हम भी गए चूल्हा में खाना न बनवा के चूल्हा बनवावे ला रहे हैं। चाहे गाँव में लड़की आप कैसे भी पा रहे हो, लेकिन ससुराल भेजते हैं तो एक छोटे से बहुत छोटे स्तर का भी बाप सोचता है कि ससुराल में हमारी बेटिया खुश रहे, बोले हाँ, कितनी प्रकार की चिंताएं होती है, यहाँ अम्मा बिटिया कमाए चलेगा पर सास बिटिया कमाए बाप के हृदय में नहीं चलता है, बात समझ में आ रही है? तो कई कितनी प्रकार की चिंता जन्म दर्शन, बहुत प्रकार की चिंता जन्म दर्शन, देवरानी की चिंता, जेठानी की चिंता, सास की चिंता, ससुर की चिंता, ननंद की चिंता, देवर की चिंता, दुल्हा की चिंता, उसके काम काज की चिंता, अकेली मानो पहली पहली बार का सारा काम Yeah.
कम लोग सोच रहे हैं कि यार हम युद्धराज सन्यासी, मैं युद्धराज सन्यासी मम वैकल्पम तावत, तावत माने इतना इतनी विकल्प। अरे भाई थोड़ा बहुत पिंजिया पीला हो रही है, आंसू जो आंसू गिरा दो, पर कैसे रुक रहे पहले तो मुझको विकलता नहीं होनी चाहिए। जो आदमी सारा जगत छोड़ चुका है वो कोई गृहस्थ जीवन से है ही नहीं, जो जंगल में विकराल सन्यासी उसको विकलता कैसी। तो मैंने अपने ऊपर कहा वैक्लव्यम और इदम, ईदृशम इस प्रकार की और इदम या इदम वैक्लव्यम तावत, ये विकलता इतनी मात्रा में हो गई और इस प्रकार की विकलता हो गई क्यों? तो इनका स्नेहा क्यों? स्नेहा रीजन बताया क्यों? जहां कहीं भी आपका स्नेह होगा, जहां भी प्यार होगा, वहां व्याकुलता होगी। प्यार में व्याकुलता होगी, इसीलिए आगे ये स्नेहात क्या लिखा? गांव की भी विदा होती है, यदि बिटिया से आपका जितना तगड़ा स्नेह होगा उतना आंसू आप गिराएंगे नहीं, तो हर रोज बिटिया विदा होती है। अगर गांव से नहा सकते आंसू गिराते हो क्या? नहीं, नहीं गिरा पाते, क्यों? स्नेह नहीं। और कर्ण ने कहा कि भाई दुनिया में बहुत सारी लड़कियां विदा होती है, पर शकुंतला के जाने से हमारी इस प्रकार की व्याकुलता क्यों? तो स्नेहा क्यों? स्नेहा। और विदा बोले कि हमें कोई घर नहीं बसाया, हम तो अरण्य हो बसा, हम तो हमारा अरण्य ही घर है, हमारा जंगल ही घर है। तो जब जंगल ही घर है तो आदमी घर द्वार छोड़ करके जंगल में रह रहा है, क्या उसको भी यदि यहाँ भी उसको पत्नी लगना है, यदि जंगल में भी आकर के आपने गृहस्थी बसाई तो फिर घर में रहते, फिर तो आप घर में ही रहते। इसीलिए मैंने दो बातें कही, एक तो इस लड़की से इतना स्नेह इसलिए तावत के दिशा वैकल्पियो, और दूसरा ये कि हम अरण्यों के साथ, तो हम अरण्य में रहने वालों को तो निर्मोही होना चाहिए था। निर्माण में यदि इतना ही मोह होता, इतना ही आंसू गिराना होता तो फिर अच्छा होता कि विवाह करते, बेटा बेटी पैदा करते, परिवार में रहते, फिर बिटिया की शादी करते। बोले हम अरण्यों के साथ के, हम अरण्य में रहने वाले, हम वनवासियों की भी, हम सन्यासियों की भी, हम इस प्रकार से जो जगत से निर्मोह है, जगत का मोह को पालन नहीं करते हैं, ऐसी हम जैसे व्यक्तियों की यदि इस प्रकार की व्याकुलता हो सकती है तो कथम न गृहणा तो गृहस्थ जब पीड़ित क्यों नहीं होंगे? अपनी पीड़ा से गृहस्थों की पीड़ा का अनुभव किया कारण। अब उन्होंने अपनी पीड़ा को इस रूप में बांटा कि हम जंगल के आदमी और वो घर के आदमी, उनकी बसी बसाई गृहस्थी है और हम उजरी गृहस्थी के आदमी। बोले हमारी तो गृहस्थी नहीं, उनकी पैदा की हुई बच्ची होती है, हमारी तो पाली हुई बच्ची है, हम तो किसी और की बच्ची को विदा कर रहे हैं। बोले हाँ, तो जो अपने से पैदा करके बच्ची को पला पढ़ा करके, पला पढ़ा कर, पढ़ा लिखा कर, पढ़ा करके जब भेजता है, उसमें और हमें वैसे भी प्रैक्टिकली बहुत भेद है, और इतने बड़े भेद के बाद वो गृहस्थी, वो गृहस्थ में रहने वाले, हम जंगल में रहने वाले, पति पत्नी शादी शुदा घर द्वार वाले, हम जंगल वाले। बोलिए तो एक जंगल वाले को गृहस्थ जैसी अनुभूति। उन्होंने कहा कि मम तावत वैक्लव्यम ईदृशम, यदि हम जैसे जंगल में रहने वालों को लड़की की विदाई में इतनी व्याकुलता हो सकती है, तो चौथी लाइन में कह दिया पीड्यन्ते गृहणा कथम, पीड्यन्ते गृहणा कथम, कैसे गृहस्थों को तो पीड़ित होना ही होना है, जब जंगल वाले पीड़ित हो रहे हैं। बोलिए जो निर्मोही, कोई मोह नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई पत्नी नहीं, कोई बच्चा नहीं, कोई बच्ची नहीं, कोई लालन पालन नहीं, कोई पोषण नहीं, जंगल में रहकर भगवान का भजन करने वाले ये साधु सन्यासी इस प्रकार की व्याकुलता को प्राप्त हो सकते हैं। तो कहा पीड्यन्ते गृहिणा कथम, तया विश्लेष दुःखैः और नवैः, नवैः नया नया, पहली पहली बार तया का विशेष विशेष माने अलगाव,
तो किसका आ रहा हूँ? तनया के विश्लेष से जो दुख हुआ वो है तनया विश्लेष दुख। बोले अब यही कारण है, यही कारण है विकर्ता का कारण है तनया का, तनया के विश्लेष से उत्पन्न दुख। तो तनया विश्लेष का दुख और वो भी नवई नवई वो भी दो बार चार बार छह बार आठ बार दस बार लड़की आवे जाए लागे तो ग्यारहवीं बार बाप उतना नहीं रोता। बोलो वो रोता है कि आराम से बेटा कर लेता है और अपनी बेटिया रोने लगे तो कहते हैं चुप रहा रोक चले समझाने लगता है। पहली बार नहीं समझा रहा बोलिए इसीलिए कहा नवई। क्या कहा? और तनया के विश्लेष का दुख, तनया के विश्लेष का दुख और वो भी नया नया विश्लेष का दुख। पहली बार बेटी जा रही पहली बार घर से विदा हो रही है तो बोले भला गृहस्थ जन कैसे पीड़ित नहीं होंगे जब वानप्रस्थी लोग जब सन्यासी लोग पीड़ित हो सकते हैं तो भला गृहस्थी लोग पीड़ित क्यों नहीं होंगे। बात समझ में आ गई? इसीलिए कहा पीड़यन्ते विनाः कथं किसको कहा पहनो? शकुंतला से कहा पहनो बेटी परिधत्त सांप्रतम क्षौम युगलम अपने क्षौम वस्त्रों को पहनो। शकुंतला उत्थाय परिधत्ते शकुंतला खड़ी होती है और वस्त्र पहनती है। गौतमी कहती जाते ए पुत्री ऐसा ये ते माने तुम्हारे यह ते को में जो ए था उस ए के स्थान पर ए आदेश हो गया है ना आयादि संधि हुई ना और फिर ए के या का लोप हो गया ए के या का लोपा साकल्य से लोप हो गया। आ बच्चा तो जो ता लिखा है वो है ते क्या है और ये है षष्ठी का एक वचन वैकल्पिक रूप अर्थात तव तो माने तुम्हारे तो माने तो एस त आनंद परिवाहिणा आनंद ही भार है आनंद मानो बह रहा है चक्षु से आंसू नहीं आनंद बह रहा है आनंद परिवाहिणा चक्षुषा परिस्वज्यमान इव मानो गले लगाने के लिए आतुर परिस्वज्यमान अपनी बेटी को गले लगाने के लिए खड़े हुए गुरु उपस्थित बड़े उपस्थित हैं गुरुजन उपस्थित हैं पिता उपस्थित हैं आचारम तावत प्रतिपद्यस्व अपने शिष्टाचार का पालन करो। कोई बड़ा आ जाए तो शिष्टाचार ये कहता है खड़े हो जाए कोई बड़ा आ जाए तो शिष्टाचार कहता है कि प्रणाम करें कोई बड़े आ जाए